بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم महाना प्रोग्राम दरगाह अलाबा शरीफ खुश नसीबी और खुशकिस्मती के इस वक्त आप हम सब के सामने हुज़ूर क़िबला आलम दामत बरकातुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। तमाम अहबाब को गुजारिश है कि अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखिए। ये मुख्तसर सी महफिल जिसका दौरानिया एक घंटा बनता है, जिसमें हदिया इनात व मनकबत पेश की जाएंगी, कुछ रिपोर्ट्स होंगी, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर क़िबला आलम का खिताब होगा। अगर टाइम बचा, वक़्त बचा, तो इंशाअल्लाह मुराकबा भी होगा। ना तो मनकबत का सिलसिला हुज़ूर काफ़ी देर से जारी है, उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए हदिया इनात व मनकबत पेश करने के लिए मुल्तमिस हूँ। जनाब मोहतरम हाजी अली हसन मरी साहब तशरीफ़ लाए और हदिया इनात व मनकबत पेश कर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसलम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने पाक में घड़ियों मदीने पाक में घड़ियों गुजारण खुश नसीबी आखणी नेणन के नीलुनी निहारण खुश नसीबिया। रसूल अल्लाह जो रोज़ो ॾिसी थियन दूर दुख दिल जा ॾिसी थियन दूर दुख दिल जा पढ़ी सलवात सीने खे पढ़ी सलवात सीने खे शुकारण खुश नसीबी खणी नेणन के नीलुन ने निहारण खुश नसीबी मुनारन जो ॾिसी मंज़र अचे थियरो अखे राहत अचे थियरो अखे राहत हथन सार सोहणे खे तोहारण खुश नसीबिया खणी नेणन खे नीलुन ॾे निहारण खुश नसीबिया। कंदो कादर तुझी किस्मत से गोई दी है से अरबिया ने इसी दर दिल बरा जो दिल के ठारण खुश नसीबिया खणी नेणन के नीलुन ॾे निहारण खुश नसीबिया। सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह वसलम अलैका या हबीब अल्लाह। ओह करना में खुदाज सजण साईं निहार खणी है करना में खुदाज निहार खणी ही मुद लड़ी सजण साईं अज जियार खणी है करना में खुदाज मुर्शिद निहार खणी ओए करना में खुदाज तुझे रुखना बे जो तवाफ कया ऐ सजदे में ही असरड़ो धरिया माड़ू घुरन माल आओ सबरिया घुरा सुपरी दुनिया हिन दोस्तता खुदा कया फिलहाल कयो ना निहाल अॼु मूंखे मुर्शिदन जे
तुझे रुख ना दे जो सजन साई तवाफ कया ऐ सजदे में ये सिर लो धरया तुझे रुख ना दे जो तवाफ कया ऐ सजदे में ये सिर लो धरया ओ कुर्बान जहिए ता अज हुरा परया ओ कुर्बान जहिए ता हुरा परया ओ मुखे तू अज देखार खड़ी है करना में खुदाज सजन साई निहार खड़ी ओए करना में खुदाज तुझी रमजी अजब रफ्तार अजब तुझो धुंद अजब गुफ्तार अजब मुर्शिद मेरा ताबाक बिला मुर्शिद नूर हकानी मुर्शिद दा महमा मुनवर ते मुर्शिद शमा नूरानी अमल हरत में देखिया तो पल पल पाक पेशानी मुर्शिद दा मद कोई न जाना ना मुर्शिद जहा जहा मुर्शिद मग दे हासे रब मिलाया ते हा चैदे नाल नौ लगी नी नहायत नेहा हमल हादी हक दा मिलिया नाल बिना गम के हा तुझी रमजी अजब गफतार अजब सुना तुझो धुंद अजब गफतार अजब अज तुझे चिश्मन जा चमकार अजब सजन साईं तुझे चिश्मन जा चमकार अजब एह वाहिद अज लग मुदवार खड़ी ए कर नाम खुदाज साई लगी दौलत जरी को खजानो खपे नकी तोरी अजो अफसानो खपे वली बख्शक पुर ओ पैमानो खपे ओ वली बख्शक पुर पैमानो खपे जेको पहजे अज दस्तो प्यार खणी है करनान खुदा तबलीगी रिपोर्ट पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद मूसा मंगयानी साहब नायब सदर जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन जिला सूबा बलोचिस्तान जनाब मोहतरम मोहम्मद मूसा मंगयानी साहब तशरीफ लाएं और अपने इलाके की तबलीगी और तंजीमी रिपोर्ट पेश करें। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام सैयदी व मुर्शिदी किबला महबूब सजन साईं दामद बरकात मालिया जमी खुलफाए कराम व उलमाए कराम व तायरी भाइयों अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू फकीर का नाम फकीर मोहम्मद मूसा मंगयानी नायब सदर जमात इस्लाम सूबा बलोचिस्तान के कुल 5 जिला में काम हो रहा है जिला हब जिला लसवेला जिला अवारा जिला खुजदार और जिला कोयटा कोयटा में जिलाई बाड़ी है और एक इस्लाम मुस्लिमीन का ब्रांच है और एक रूहानी तुलबा जमात का जबकि माह अगस्त के पहले हफ्ते में ये फकीर 5 दोस्तों के साथ वहाँ गए वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जाने के बाद ये फायदा हुआ मेरे पीर और मुर्शिद ख्वाजा महबूब सजन साईं के निगाह करम से वहाँ एक मस्जिद है इमाम कोई और है लेकिन वहाँ बाकायदा जुमे नमाज के बाद मुराकबा होता है हफ्तावार और हर जुमे रात को वहाँ महफिल नात और मनकबत का प्रोग्राम हफ्तावार होता है। इसके अलावा जो है बेला में हर माह एक प्रोग्राम होता है जाकिबला साईं दिलमराज साहब के जेर निगरानी में और तहसील लाखड़ा में खलीफा साईं पुनरशाह के जेर निगरानी में काम हो रहा है उथल में किबला साईं खलीफा मोहम्मद रहीम के जेर निगरानी में और तहसील दुरेजी में किबला साईं मोहम्मद उमर साहब और हुसैन बश जमाली साहब के जेर निगरानी में मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं खुसूसन माना प्रोग्राम हसनाबाद मर्कज किबला साईं वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो मरकज है वहीं हो रहा है। इसके अलावा किबला साईं मौलाना बिलाल अहमद हबूबी साहब ये फकीर तहसील हब और गडानी के कुर्ब जवार में प्रोग्राम होते हैं मरकजी प्रोग्राम गुलशन ताहिरिया जहाँ हुजूर किबला आलम महबूब सजन साईं किबला साईं आप 22 जनवरी को जब तशरीफ लाए थे वहाँ मस्तूरात भी आते हैं वहाँ 100 के करीब तलबा व तालबात
दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि हब शहर में दो जगह पे डायनो कॉलोनी में मदीना मस्जिद और फिरदौस रब्बानी सफीम अलैहिस्सलाम मदरसे में किबला सही मौलाना बिलाल अहमद हबीबी के जेर निगरानी में वहाँ दीनी और दुनियावी तालीम हो रहा है। जहाँ मदरसा तफीम अलैहिस्सलाम में 35 लड़के तालीम हासिल करें, मदरसा गजालिया में तकरीबन 60 तालबा दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा कुर्ब जवार में प्रोग्राम हो रहे हैं। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल गडानी में हाई स्कूल हब में एक अजीम शान प्रोग्राम रखा हेडमास्टर ने, खुसूसी तौर पर किबला हमारे मोहतरम दोस्त साईं बरकत अली ताहिरी मावन मरकजी रूहानी तलबा जमात पंजाब के दौरे पे गए थे किसी काम से। उनको हेडमास्टर ने फोन किया कि फकीर मोहम्मद मूसा को बोलो कि आप हमारे स्कूल में आ जाएं और मीलाद मुस्तफा का प्रोग्राम करें। जबकि इससे पहले और तनजीबात ने काम किया, गुज़श्ता साल इसाज ने प्रोग्राम किया, इस बार भी तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के तलबा और असाज़ा ने बड़ी शिरकत की और हमने इखलाकियात आदाब के बारे में तालीम हासिल करने के बारे में दर्ज दिया। बहुत उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया। हुज़ूर ये सब आपका निगाह करम है, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, हम अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, हमारे पास हमारा दीन ईमान हुजूर आप हैं, या लाहे भी आपने चला भी आप रहे। आखिरी 10 बस अर्ज है हुजूर, हम बलोचान वाले बिल्कुल ही कमजोर हैं, हर लिहाज से तालीम के लिहाज से हम कमजोर हैं, हुनर के लिहाज से हम कमजोर हैं। हुजूर आपका निगाह करम हो, जैसा कि आपने हमें छोटे बच्चे की तरह ना बाप चलाता हुजूर आपने हमें यहाँ लाया है, हम अनपढ़ है, चरवा बकरियां चराते थे, हमारे पास कुछ भी इल्म नहीं। हुजूर इसी तरह आप हमारे पर शफकत का नजर भी रखें और बलोचिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करें कि वहाँ अमन अमान हो जाए, हालात बहुत खराब है, अल्लाह अमन अम करे। और अलमदा बलोचिस्तान से जुरेजी लसबेला हब और गडानी से लसबेला से उत्तर से काफी दोस्त आए हैं, अगर हैं मौजूद हैं तो खड़े हो जाएं, अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा महबूब सज्जन साईं का दीदार करें, जो दोस्त आए हैं बलोचिस्तान से साईं। तशरीफ रखिए। मोहम्मद मूसा मंगयानी साहब नायब सदर जमात इस्लाह मुस्लिमीन सूबा बलोचिस्तान तबलीगी हवाल बयान कर रहे थे। मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम मख्तूम आज़म साहब जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन सूबा सिंध तशरीफ़ लाएँ और अपनी रिपोर्ट पेश करें। जनाब मोहतरम मख्तूम आज़म साहब। सैयदी व मुर्शिदी हुजूर के बिला व काबा महबूब सज्जन साईं दामत बरकातुहुम अल-कुदसिया व साहिबजादा जाफ़र सादिक ताहिर साहब मरकज़ी सदर जमात इस्लाह मुस्लिम पाकिस्तान व दीगर मेरे पीर के प्यारे परवाने मुहिब्बाने मेरे महबूब मुर्शिद के ताहिरी दोस्तों अस्सलाम अलैकुम। ये आज इस जमात इस्लाह मुस्लिम सूबा सिंध की बराए साल 2023 जनवरी ता सितंबर 9 महीने की रिपोर्ट आप दोस्तों के और हुजूर क़िबला आलम की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। क़िबला 2023 में इन 9 महीनों में 60 ब्रांचेस का इजाफा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की निगाह करम से सूबा सिंध में हुआ है। अब हमारे पास टोटल जो ब्रांचेस हैं 766 सूबे भर में, जिसमें 3 अजला बलूचिस्तान के सोबतपुर जाफराबाद और नसीराबाद भी शामिल है। क़िबला टोटल हमारे पास 36 जिला बॉडीज़ काम कर रही हैं और इस साल हमारे जो मेंबर्स रजिस्टर्ड हुए हैं जिनमें इजाफा 1200 का हुआ है, तो अभी हमारे पास 36,200 मेंबर्स जिनके बायोडाटा हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद है। क़िबला तबलीग वफूद के हवाले से क़िबला इस साल सूबा सिंध में 70 तबलीग वफूद का इजाफा हुआ है और 750 तबलीग वफूद अपने तबलीग का काम कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में। हुजूर क़िबला आलम के 12 एकामात और की रोशनी में मिसाली ब्रांच के हवाले से कुछ पॉइंट्स लिखकर हमने अजला को दी थी, जिस पे हमें 245 क़िबला 245 जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की निगाह करम से सुबह भर में हम उसको कह सकते हैं कि ये मिसाली ब्रांचेस के तौर पे काम कर रही हैं, जिसमें हर माहवार प्रोग्राम भी होता है, मीटिंग्स भी होती हैं, इजलास आमा भी होता है और प्रोग्राम में दोस्त ग्लूकोमीटर और ब्लड प्रेशर और वज़न चेक करने का आला भी रखते हैं, ताकि जो दोस्त प्रोग्राम में आते हैं तो उनका वज़न भी चेक किया जाए, उनका ब्लड प्रेशर और शुगर भी चेक किया जाए, टेक्नीशियन बंदा बिठाते हैं और ये हर महीने किसी ब्रांच में हफ्तावार होता है तो हर हफ्ते भी होता है, तो इससे भी दोस्तों को काफ़ी फ़ायदा होता है। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनको पता नहीं, जब प्रोग्राम में आते हैं उनका शुगर चेक करते हैं कि 400 लेवल तक शुगर पहुँचा होता है,
तो यानी इससे ये फायदा होता है कि उसको पता चलता है, फिर वो अपनी ट्रीटमेंट करवाता है। मदारस हुजूर 562 मदारस सुबह भर में काम कर रहे हैं दीनी और असरी तालीम के हवाले से। लाइब्रेरीज 345 ब्रांचेज में मुस्तनद लाइब्रेरीज, जिसमें मुस्तनद यानी दीनी और दुनियावी दोनों तरह की किताबें, और जिसमें कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जिसमें रोज़ाना दोस्त बैठ करके और अखबार या न्यूज़पेपर आते हैं तो वो भी पढ़ते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी और साथी मामलात को भी और इश्यूज़ को वहाँ पे हल करते हैं। ये थोड़ी ब्रांचेज है लेकिन ये कदम हमने बढ़ाया है इंशाल्लाह हुजूर की निगाह करम से, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। हुजूर क़िबला आलम की दी हुई तरगीबात की सिलसिले में शजरकारी के हवाले से हुजूर हमने जो टारगेट रखा था 35,000 का, सो अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 पौधे इस साल 2023 में 20,000 पौधे पूरे सूबे भर में जो इस आजिज़ के पास रिपोर्ट पहुंची है अजला से, उसमें 20,000 पौधे लगाए गए हैं। और 2012 से ये सिलसिला चालू है तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसे भी हैं जो दरख्त बन चुके हैं और उसका रिकॉर्ड भी इस आजिज़ के पास है। काफ़ी दोस्तों ने तस्वीरें भी शेयर की हुई हैं कि ये 2 साल पहले का था, ये 3 साल पहले का था, ये पिछले साल का था। यानी ये शजरकारी का मामला भी हर साल हुजूर की निगाह करम से 15,000, 20,000, 25,000 पौधे हर साल लगते हैं। यकीनन ये आज समझता है कि पूरे ये दरख्त नहीं होंगे, कम से कम 10,000 हो जाएं, 5,000 हो जाएं, कुछ तो होगा हुजूर की निगाह करम से। जो हम लोग इससे बिल्कुल नाशना थे कि दरख्त हमारे लिए कितने फ़ायदा मंद है, हुजूर की तवज्जो दिलाने की बरकत से और ये तंजीम और हुजूर की निगाह करम से दोस्तों की मेहनत से ये हर साल 5 या 10,000 पौधे दरख्त बन जाते हैं जमात की तरफ से। इज्तमाई वाक सेहत के हवाले से हुजूर क़िबला आलम बारह इरशाद फरमाते हैं तो इज्तमाई वाक का प्रमोशन हम करते हैं फरवरी के 2 हफ्ते हर साल फरवरी में हम लेटर देते हैं ज़िला को कि ब्रांचेस को ये आप मोटिवेट करें। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर 335 इस साल 2023 में 335 ब्रांचेज में इज्तमाई वाक की गई, जिसमें वहाँ अहले इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन को भी बुलाया गया, चाहे 15 मिनट की या 20 मिनट की, यानी एक माहौल बनाना है और बताना है कि भी अपनी सेहत के लिए आपकी वाक ज़रूरी है। तो ये तहरी जमात और जमात इस्लाह मुसलमीन और हुजूर क़िबला आलम की निगाह करम से और इस प्लेटफार्म से ये प्रोग्राम होते हैं तो अहले इलाका पूछते हैं भाई ये कौन सा बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग तो ये नहीं बताते कि आप वाक करो, आप दरख्त पौधे लगाओ, और ये दस्तारे पहन के और ये अमामा पहन के और ये हुजूर की सुन्नत रख के जब फकीर हम सफाई मोम मनाते हैं तो अपनी गलियों में कूचों पे अपने शहर में ये झाड़ू देके जो घूमते हैं अपनी गलियों में, और इतने कदर में साजिद के पास तस्वीरें हैं कि ये मेरे हुजूर की निगाह करम है कि हमारे दोस्त उलमाए कराम बड़े बड़े उलमाए कराम भी झाड़ू लेके अपने अपने गली में अपने मोहल्ले में अपनी ब्रांच में काम करते हैं। लोग देखते हैं कि भाई ये कौन से बंदे आ गए, ये कौन सी मखलूक है, ये झाड़ू लेके अमामा पहना हुआ है, दाढ़ी मुबारक रखी हुई है, हक सज्जन साईं का नारा भी लग रहा है, अल्लाह अल्लाह का नारा भी लग रहा है, लेकिन ये सफाई कर रहे हैं। तो ये दोस्त उनसे मुतासिर होते हैं, फिर वो दोस्त तारफ़ पूछते हैं, फिर दरबार आलिया का तारफ़ होता है। यानी ये भी हमारे तबलीग का एक जरिया बनता है हुजूर क़िबला आलम की निगाह करम से। हीट स्ट्रोक के हवाले से हुजूर इस मरतबा काफ़ी ब्रांचेज में, जैसे इस मरतबा अपना टंडोलियार ज़िला, जखमाबाद ज़िला, काफ़ी अजला से कि ये जब पेपर होते हैं बच्चों के तो उनके लिए पानी और ठंडे शरबत का इंतज़ाम करते हैं, और रेलवे स्टेशन या जैसे नादरा ऑफिस या डीसी ऑफिस जून जुलाई के महीने में ये दोस्त सबील का कैंप लगाते हैं और हीट स्ट्रोक के पम्फलेट वगैरह लगाते हैं कि अपने आप को धूप से और गर्मी से कैसे बचाया जाए। तो ये भी हुजूर क़िबला आलम की निगाह करम से होता है। मेडिकल कैंप हुजूर क़िबला आलम 120 ग्लूकोमीटर 300 ब्रांचेज में है, इमरजेंसी के हवाले से 700 दोस्त तैयार हैं। सफाई मुहिम 426 ब्रांचेज में ये प्रोग्राम इस साल हुए। हुजूर क़िबला आलम के विलादत बासादत के प्रोग्राम 600 ब्रांचेज में हुए। इस्तकबाल रमज़ान के प्रोग्राम 500, मिलाद मुस्तफ़ा मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 650 प्रोग्राम क़िबला हुए। कुर्बानी के हवाले से पूरे सूबे भर में दरबार आलिया दरगाह अलाबा शरीफ मरकज़ टंडोला यार का जामे अनवार ताहरिया दरगाह फ़कीरपुर शरीफ और गरीबाबाद, यह टोटल कुल मिला के 867 हिस्से बनते हैं। ज़कात के हवाले से दरगाह अलाबा शरीफ का जो कराची डिवीज़न
से अलग जो हमने फंड इकट्ठे किया 41,45,170 और मरकज टूल प्लाजा के कराची डिवीजन के जितने अजला है उन्होंने 1,32,74,000 जमा किए। और हुजूर ये हुजूर क़िबला आलम का जो छः नुकाती एजेंट प्रोग्राम है उसमें जो हुजूर क़िबला आलम ने रफायामा के हवाले से बताए ये एक मिनट की झलक। रफायामा 300 ब्रांचेस में रफायामा के तहत जो अमली इकदाम किए गए हैं 75 घरों को सोलर सिस्टम फराहम किया गया है, 275 मरीजों के इलाज मुआलजे में अखराजात बर्दाश्त की गई है जो ज़िला से रिपोर्ट मौसूल हुई है क़िबला, 280 गरीब खानदान का माहाना राशन वहाँ पहुँचाया जाता है, 220 तुलबा जिसमें स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तुलबा हैं उनकी माहाना कफालत की जाती है, 100 घर जो हैं खानदानों को किसी का घर बना दिया गया है या किसी के घर बनाने में कुछ रकम दी गई है यानी उनकी माली मुआवनत की गई है, 30 गरीब खानदानों की बेटियों की शादी का मुकम्मल जहेज़ यानी मुकम्मल उसके घर का सामान जमायत के दोस्तों ने अपने तौर पर दिया है जमायत इस्लाम मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से और हुजूर क़िबला आलम की निगाह करम से, 290 बेवागान को राशन व नकद रकम में मदद फराहम की गई, 4 आर ओ वाटर प्लांट लगे गए हैं सूबे भर में जिसमें हम साफ़ और शफा पानी की पीने के लिए काबिल बनाए गए, 15 जगह बोरिंग लगाए गए, ज़िला क्यामाड़ी के एक ब्रांच में खवातीन के लिए सिलाई सेंटर कायम किया गया है कराची में क़िबला, ज़िला क्यामाड़ी के 5 क्लिनिक में डॉक्टर्स जो हैं वो गरीब और नादार बंदों का मुफ्त में इलाज करते हैं और दवाइयाँ भी देते हैं, उसके अलावा टेंट मच्छरदानियाँ रज़ाइयाँ कंबल जूते कपड़े मेडिसिन वगैरह लातदाद हैं क़िबला, ये सारा जो करम है मेरे हुजूर की निगाह करम है और हुजूर क़िबला आलम की दी हुई तालीम और तरबियत है कि जमात इस प्लेटफार्म पर आ गई है कि रफायामा में रफायामा के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तबलीगी रिपोर्ट आप सुन रहे थे। जनाब मोहतरम मखदूम आज़म साहब जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन सूबा सिंध, तंजीमी तबलीगी और फलाही रिपोर्ट सुनी आपने। यकीनन हम अपने मुर्शिद की क़यादत में ज़ेरे हिदायत ये जमात एक मोहब्बत का पैगाम लेके दुनिया के सामने निकली है, इंसानियत के फलाह बहबूद का पैगाम। सिर्फ इंसानियत नहीं हर जानदार की बेहतरी के लिए, बल्कि सिर्फ जानदार भी नहीं जैसे बता रहे थे मखदूम आज़म साहब कि माहौल की बेहतरी के लिए जैसे हमारे हुजूर के अहकामात हैं दरख्त लगाना सफाई करना, और इंशाअल्लाह ताला ये जमात इस जमात का हर फ़कीर जहाँ मौजूद होगा अपने इर्द गिर्द इलाके के लिए बाएस रहमत होगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह दुनिया में अगर कहीं भी कोई ऐसी जुल्म सितम या बर्बरियत होती है तो यकीनन दिल दुखता है, जैसे हालिया फ़लस्तीन में आपने सुना होगा कि जो कंडीशन है जो सूरत हाल है। हम सब मिलके अपने मुर्शिद की खिदमत में नहायत ही अदब से मुअद्दिबाना इल्तिमास करेंगे इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के आखिर में कि हुजूर क़िबला आलम खुसूसी दुआ फरमाएं फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बल्कि जमी इंसानियत के लिए कि जहाँ भी जुल्म सितम है वहाँ इफ़ाम तफ़ीम की कोई राह निकले और सबके लिए बेहतरी ही बेहतरी हो। और इसी तरीके से चंद ऐलानात के लिए मैं मुल्तमिस हूँ सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन जनाब मोहतरम ग़ुलाम मोहम्मद मेमन साहब तशरीफ़ लाएँ और चंद ऐलानात फरमाएँ। नहमद नसली रसूल करीम अम्मा इस आजिज़ को जिस अहम ऐलान करने की सआदत हासिल हो रही है उस ऐलान के लिए हुजूर पूरी जमात शिद्दत से मुंतज़िर है। यकीनन सब दोस्त हमारे महबूब मुर्शद हुजूर सोना सईं नवर अल्लाह मरकज़ के सालाना उर्स मुबारक के ऐलान के लिए बेचैन हैं। और साथ में दोस्तों को मैं ये भी अर्ज़ करूँगा चाहे उलमा हो खुलफा हो किस जमात के किसी भी तंजीम के अहदेदार जिस लेवल के अहदेदार हों सब हाथ उठाकर अपने कायद के सामने ये अर्ज़ करें अहद करें कि हजूर हम यहाँ सालाना उर्स मुबारक के मौके पर
मेहमान बन के नहीं खादिम बन के पहुंचे। आए हुए हर मेहमान की हम खिदमत और उनकी आसानी के लिए कोशिश करेंगे। तो बिला ताखीर मैं उस अजीम जो हमारे लिए बड़े ईद का दिन होता है सालाना मुबारक उसकी तारीख का ऐलान के देता हूं। 2-3 दिसंबर 2023 बरोज हफ्ता इतवार इंशाल्लाह पूरी जमात हजूर की क्यादत में अपने शेख कामिल के सालाना मुबारक की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर इंतजाम को तकमील देकर इंतजाम करेंगे। बहुत शुक्रिया। सही सही करें, नहीं नहीं आप अपने हिसाब से, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जी तशरीफ रखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين। معزز سامعین ایک شعر جو ہم سنتے رہتے ہیں اور شاید کچھ لوگوں نے نہیں بھی سنا ہو یا تا اے پاسے اصلو آمین ہا جے آیا ہی ڈیہو ڈیہ وکھڑی ودھا या तो इस तरफ तुझे आना ही नहीं चाहिए था अगर आ गया है तो लफ्ज़ है विखड़ी। ये तस्गीर का एक तरीका है जो सिंधी ज़ुबान में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसी तरह सराय की ज़ुबान में जिसकी थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध है। सिंधी ज़ुबान में हम बोलते हैं छोटे को नंढो और भी आजजी का लफ्ज़ उसमें डाल दें तो नंढड़ो और भी करें सफ़ा नंढड़ो। ये तस्गीर का एक ये भी अरबी का एक की इस्तलाह है सिंधी ग्रामर की भी कोई ज़रूर इस्तलाह होगी इसके लिए। तो एक तो होता है लफ्ज़ जो सराइकी और सिंधी में बोला जाता है विख यानी उर्दू में बोलेंगे कदम एक कदम उसके आगे दूसरा। तो हो सकता है ये शेर ख्वाजा गुलाम फरीद का हो वल्ला आलम। वो फरमाते हैं या तो ए पासे इस तरफ तुम्हें आना नहीं चाहिए था जे आ गया है तो विख वधा। वो लफ्ज़ विख भी नहीं बोल रहे हैं विखड़ी तस्खीर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। विखड़ी का मफहूम उर्दू में क्या बनता है छोटा सा कदम एक बड़ा कदम एक
दरमियाना कदम, एक छोटा सा कदम, वो ये फरमा रहे हैं कि जब आ गया है इस मैदान में तो विखड़ी वदा, छोटा कदम बड़ा। वो छलांग मारने के लिए नहीं फरमा रहे हैं, जंप मारने के लिए नहीं फरमा रहे हैं, दौड़ने और भागने के लिए नहीं फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं छोटा कदम लेकिन आगे की तरफ, लेकिन आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं। ऐसा होता है जिंदगी में कि आदमी एक कदम आगे बढ़ाता है बड़े तेजी के साथ, फिर वो चार कदम पीछे चला जाता है, फिर ना वो पीछे का रहता है ना आगे का रहता है। तो जब कदम, यानी पहले तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें आना नहीं चाहिए था, सोच लेना चाहिए था कि मुझे जाना है कि नहीं जाना। जब तू आया है तो वो समझते हैं कि तू सोच समझ के आया होगा, गौर व फिक्र करके आया होगा। जब ये फैसला ले लिया है तो फिर एक कदम आगे, छोटा कदम आगे की तरफ रख। तो ये जमात भी इसी मफहूम को समझे, हम सब इस मफहूम को समझें कि हम जब मिलजुल के कदम आगे रखते हैं फिर पीछे नहीं लेते, और लेना भी नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। और कभी भी हमें जो एक माजी के अफसाने होते हैं उसमें हम गुम हो जाते हैं और फिर उस तसव्वुरात में ही खोए रहते हैं कि मेरा बाप जो था वो बादशाह था, मेरा दादा जो था वो तो शहनशाह था, पर दादा जो था उसको तो सिकंदर था। इस तरह की माजी के अफसानों में हम खोए रहते हैं, जबकि हाल के जो चैलेंजेस होते हैं, जो हमें पुकार रहे होते हैं कि मर्द है तो उतर आगे बढ़ और मुझको संभाल, उससे हम पहलू तही करने के लिए हम पीछे की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। हम और आप हाल के मर्द बने, इस लम्हे के मर्द बने, इस वक्त क्या चैलेंज है जो हमारे सामने है, पहले तो उसको समझने की जरूरत होती है, फिर उसको टैकल करने की जरूरत होती है, उसको लेने की जरूरत होती है। ये बहुत बड़ा फैसला होता है। जब समझ गया कि ये मेरी जिम्मेदारी है, जब समझ गया कि मैं इसको संभालूंगा, इसमें हाथ डालूंगा, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है इन तंसुर अल्लाह यंसुरकुम, तुम जब अल्लाह की मदद करते हो अल्लाह ताला की मदद पहुंच जाती है। सही तरीके से जब उस मुश्किल को तुम संभालने की कोशिश करते हो अल्लाह ताला की मदद पहुंचती है, कामयाबी के रास्ते खुलते हैं। तो इसलिए इस जमात को मिलजुल के छोटे छोटे कदम आगे लेने हैं। हमें ये दोबारा आजिज अर्ज कर रहा है कि हम रेस लगाने नहीं जा रहे हैं, रेस लगाने वाले थक जाते हैं। आपने वो मिसाल सुनी होगी जो एक कछुए और खरगोश की कहानी थी, कि खरगोश ने कछुए को चैलेंज किया था कि तुम मुझसे, या खरगोश ने उसको बोला था कि चलो रेस लगाते हैं। खरगोश ने सोचा कि ये कछुआ बेचारा तो कछुए की चाल चलता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इसको तो टाइम लगता है, मैं इतना तेज रफ्तार कि मेरी कुत्ते भी मेरी हवा को नहीं सूंघ पाते, ये क्या होता है। खरगोश ने कहा चलो दौड़ लगाते। खरगोश ने एक तेज दौड़ लगाई, थोड़ा थक गया, देखा खरगोश ने देखा वो कछुआ पीछे था और वो वहां पर बैठ गया सांस लेने के लिए और उसको नींद ही आ गई। फिर उसने देखा थोड़ा करीब पहुंचा है, उसने एक और तेज दौड़ लगाई और फिर काफी फासले पर चला गया, फिर वो थक गया, फिर वो आंख बंद करके सो गया। जब उसकी आंख खुली तो देखा जो फिनिश लाइन था, जो एक फिनिशिंग पॉइंट थी जहां पहुंचने वाला रेस जीत जाता, वहां कछुआ पहुंच रहा था और ये नींद से उठ रहा था। खरगोश हार गया था क्योंकि उस कछुए ने अपने छोटे छोटे कदम उठाने की जो एक आदत थी वो जारी रखी, रोका रुका नहीं, चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। तो उस तेज रफ्तार खरगोश से वो बाजी जीत गया। ये सिर्फ हमारे अदब की कहानी नहीं है, ये अरबी अदब में भी ये कहानी मिलती है,
ये इंग्लिश लिटरेचर में भी ये कहानी मिलती है, पूरी दुनिया में ये कहानी मिलती है। यानी कहा जा सकता है कि ये एक मानी हुई हकीकत है, ये एक मानी हुई हकीकत है। तो दोस्तों, हमने भी कदम आगे, छोटे छोटे कदम आगे रखने हैं, बढ़ते जाना है। और ये हमारी रूहानी जो तरबियत है उसका सिलसिला भी ऐसे चलता है। लोग आते हैं कहते हैं कि चटमट मंगनी पट गया, मुझे यहीं पर जो है ना वो चुगा भी पाना दो, अमामा भी पाना दो, दाढ़ी भी लगा दो और मुझे खिलाफत भी दे दो, पीर भी बना दो, दरगाह भी बना दो। ये चीज़ें कोई खेल तमाशा नहीं होती दोस्तों, ये मेरे हाथ में नहीं होता, ये तो खुदा की तरफ से इंतखाब होता है, ये अल्लाह का इंतखाब होता है कि वो किसको किस मनसब के लिए या किस काम के लिए चुन लेता है। हम ये कर सकते हैं कि हम उसके दरबार पर हाजिरी देते रहें, हम खिदमत के लिए हाजिर रहें, हम अपनी कोशिशों को जारी रखें। क्या होता है क्या नहीं होता ये अल्लाह ताला का काम होता है। वो खुद फरमाता है अल्लाह यश्तबी इलैही मन यशा, मैं अपने दोस्ती के लिए जिसको चाहे मैं उसको मुंतखब कर लूं, ये मेरी मर्जी होती है। तो हमें दरवाज़ा खटखटाना है, दरवाजे पर बैठना है, आना है, अपनी उम्मीद कायम रखनी है, ताल्लुक जोड़े रखना है। दर राह तलब मुर्दन शर्तस्त, तलब की राह में चलते चलते, यानी तरीकत की बात हो रही है, ये कारोबार की बात नहीं हो रही है, ये कोई सियासत की नहीं हो, उसकी तकाजाएं अलग होंगी। मैं तरीकत की राह की इस वक्त बात कर रहा हूँ कि इस तलब की राह में चलते जाओ और चलते चलते सफर को जारी रखते हुए तुम पर मौत आ जाए, यही कामयाबी है। तो हम तो अल्लाह ताला को राजी करना चाहते हैं या दुनिया को खुश करना चाहते हैं, हम चाहते क्या है, यानी ये भी तरीकत के रास्ते की बात हो रही है। तो बहरहाल, तो इंशाल्लाह ये छोटे छोटे कदम हम आगे बढ़ाते रहेंगे और ये जो भी अहबाब यहाँ आज पहुंचे हुए हैं उन सब अहबाब को ये गुजारिश की जाती है कि जब हम सफर शुरू करते हैं ना तो हम कामयाबी की तलाश में होते हैं। वो कछुआ भी छोटे छोटे कदम उठा रहा था, वो कामयाबी की तलाश में था ना, किसी तलाश में था। वो खरगोश दौड़ लगा रहा था, वो क्या चीज ढूंढ रहा था, कामयाबी ढूंढ रहा था। तो हम और आप इस तरीकत की राह, अब तरीकत की मैं बात अर्ज कर रहा हूं, जब तरीकत की राह में उठा रहे हैं कदम, चल रहे हैं, तो हम कामयाबी चाह रहे हैं, हम कामयाबी चाह रहे हैं। तो जो आयत करीमा मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तब मेरी मोहब्बत की राह में चलते हो, मेरी उल्फत की राह में चलते हो, मेरी कुर्बत की जुस्तजू में चलते हो, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है फिर मुझे याद करो बहुत ज्यादा, वज़कुरुल्लाह, बहुत ज्यादा याद करो, कसरत से याद करो, तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो उसी जिक्र की तलकीन हमें मुर्शिद ने फरमाई है। तो यहां हमने ताल्लुक कायम किया मुर्शिद के साथ, निस्बत कायम की और मुर्शिद ने कहा कि अल्लाह ताला का जिक्र करो, तो वो जिक्र कल्बी होता है जिसकी यहाँ तलकीन की जाती है। जुबानी जिक्र भी अपनी जगह है लेकिन कल्बी जिक्र की शान निराली है, ये अफजल तरीन जिक्र है। इस जिक्र का तरीका यह है कि यहाँ बाएं जानब इंसान का दिल है, इस दिल में आप खड़े बैठे लेटे सोए जागे हर वक्त तवज्जो रखें कि दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ये कल्बी जिक्र है, ये ख्याल और तवज्जो से होता है। तो जो पहले बात अर्ज की जा रही थी कि जब हम मैदान में उतरते हैं तो जिस मैदान में हम उतरे हैं, हमने कामयाबी की तलाश में कदम बढ़ाए हैं, तो मैंने अर्ज किया था छोटे छोटे कदम उठाएंगे और फिर अर्ज किया था कि वो तेज दौड़ने की बुजुर्ग ने ख्वाजा साहब ने जिक्र नहीं किया है, उन्होंने छोटे कदम का जिक्र किया है, शेर पढ़ा था। तो वो जो हमारी कामयाबी की तरफ ये जो कदम बढ़ाने की बात हो रही है, इस तरह समझे दो तरह के घोड़े होते हैं। बड़ा खूबसूरत जानवर है घोड़ा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा जानवर।
तो एक घोड़े वो होते हैं जो एक छोटे मुकाबले के लिए तैयार किए जाते हैं, छोटी रेस के लिए तैयार किए जाते हैं, वो जीत जाते हैं छोटी रेस। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो जंग के लिए तैयार किए जाते हैं, कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो लंबी रेस के लिए तैयार किए जाते हैं, जो थकते नहीं है, वो सुबह से शाम तक दौड़ेंगे थकेंगे नहीं। तो फकीरों, हमें मुर्शिदे कामिल ने लंबी रेस के लिए तैयार किया है। ये कोई एक दिन या एक हफ्ते की रेस नहीं है, ये रेस तो जिस तरह मैंने अर्ज किया था, तलब की राह में मरना ही कामयाबी है। इस जुस्तजू में ता दमे आखिर हमें सफर को जारी रखना है। तो आप लंबे रेस के घोड़े हैं, तो वो आप सफर को उस अंदाज में जारी रखें, बढ़ते चले जाएं। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम्हें मुश्किलात आन घेरें, दुश्मन आपको आकर घेर लें, आपके दीन के दुश्मन, आपके जान के दुश्मन, आपके औलाद के दुश्मन, आपके अमवाल के दुश्मन वो आपको घेर लें, तो फिर तुम्हें ये करना है कि मुझे याद करते चले जाओ, मुझ पर भरोसा करते चले जाओ और कदम आगे बढ़ाते चले जाओ, तो तुम कामयाब हो जाओगे। वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह तला का जिक्र बहुत ज़्यादा करो, तुम फलाह पा जाओ। कामयाबी को लफ्ज़ फलाह से बयान किया गया है, क्या खूबसूरत एक मुरक्कब बनाया गया है, कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जिक्र और फलाह। फलाह का जो लफ्ज़ आपके जेहन में आता है, फलाह क्या होती है, वो तो अरबी की लुगत ढूंढनी चाहिए। अगर मुझे पहले पता होता कि लफ्ज़ फलाह सामने आएगा, तो आज ज़रूर वो डिक्शनरी देख कर आता कि फलाह को अरबी लुगत में किस तरह बयान करते हैं। लेकिन जो मेरा नाकिस ख्याल है, वो सोच है, उसके मुताबिक मैं ये उसको बयान करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है ये गलत हो। फलाह ऐसे भी हो सकती है कि कोई शख्स पानी के दरमियान में अपने आप को मौजूद पाए और लहरें उसको घेर लें, भंवर उसके दाएं बाएं हों, पानी के भंवर उसको घेर लें, और वो अनकरीब डूबने वाला हो, अचानक उसको छोटी सी कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए, उस लकड़ी के टुकड़े को वो पकड़ ले, या डूबते 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 कोई छोटा सा एक मट्टी का टेला उस पानी के दरमियान उसको मिल जाए, उस टेले पर चढ़ जाए, या डूबते डूबते गोता मारते मारते कोई दरख्त उसको मिल जाए, उस दरख्त पर चढ़कर ऊपर बैठ जाए, तो आज इसके नाकिस ख्याल में ये फलाह में आ गया कि इतने बड़े अजाब से कि जिंदगी खतरे में थी, वो फलाह में आ गया। फलाह का मफहूम ये होता है कि वो शख्स अपने आप को न सिर्फ बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, वो इस तरह बचाने की कोशिश में लगा हुआ है कि वो किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेता, दुश्मनी किसी के खिलाफ पालता नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने का तस्वुर उसके दिल में नहीं है। अपनी कामयाबी चाहता है, अपनी तरक्की चाहता है, अपने आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन किसी और के नुकसान की कीमत पर नहीं, किसी और के खसारे की कीमत पर नहीं। वो औरों का भी भला चाह रहा है, लेकिन अपनी कामयाबी के लिए भी कोशिश कर रहा है, ये होती है फला। तो फकीरों, कभी भी हम और आपके दिल में ऐसा ख्याल ना आए कि भाई वो जो कहते हैं ना कि एक प्यासी बकरी थी, अजानें भी हो रही हैं, वो अच्छा इसको छोड़ते हैं। तो अब जिक्र का तरीका आपने सुन लिया और जिक्र को जारी रखें, सुबह भी जिक्र करें, शाम भी जिक्र करें, आप सबको जिक्र की इजाज़त है। और मुराकबा करें, मुराकबा से पहले ख़त्म शरीफ पढ़ें, ख़त्म शरीफ पढ़ने के लिए 11 मरतबा दुरूद पाक, एक मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा सूरह इखलास, सूरह कुरैश, और फिर दुरूद शरीफ। ये हम अपना मामूल बनाएं, हम रोज़ाना ख़त्म शरीफ पढ़ें, ये हम अपने आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफा पेश करें, आपके आले पाक की बारगाह में, सहाबा खुल्फा राशिदीन अइमे किराम सब औलिया खसुल मशायख नक्शबंद खासुल खास मुर्शिद कामिल को, फिर आंखें बंद करके और सब चीज़ें ख्यालात दिलो दिमाग से निकाल दें, मुकम्मल हुज़ूर कलब हो। हम ऐसा मुराकबा
पता नहीं हमने कभी क्या भी होगा या नहीं क्या होगा, मुकम्मल यकसुई, हर चीज भूल जाए, कुछ भी याद। बल्कि हमारे मुर्शिद तो फरमाते थे कि अपने आप को भी भूल जाए, बस अल्लाह पाक की ज़ात पाक मौजूद है, और जो सांस अंदर जाए अल्लाह, जो सांस बाहर जाए अल्लाह 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 अल्लाह। ये जिक्र की मशक जारी रहे, मुर्शिद कामिल का तस्वुर हो उनके सीने से, वो फैज़ वो रोशनी हमारे दिल में आ रहा। और नमाज पाबंदी से अदा करें, जो अब आपने रिपोर्ट सुनाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ब्रांचेस कायम हो रही हैं, 250 के करीब उनकी ब्रांचेस, मिसाली ब्रांचेस की तादाद उन्होंने बताई। मुझे उम्मीद है उस शरीफ के मौके तक मिसाली ब्रांचेस की तादाद जो है वो 300 से भी क्रॉस कर जाएगी। और उन्होंने 700 से ज़ायद ब्रांचेस बताई कि हमारे जमायत इस्लाम मुस्लिमीन की ब्रांचेस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द आप 1000 के हिस्से को भी अबूर कर लेंगे, ये ब्रांचेस बढ़ेंगी। और फिर आपके पास दस्तूर अमल मौजूद है, उसके मुताबिक जो भी अहदेदारान हैं अपने काम को बेहतर तरीके से सरंजाम देने की कोशिश करें, और हम सब नमाज की का एहतमाम करें, पाबंदी से अदा करें, दिल के हजूर से अदा करें। रमज़ान के महीने में हम रोज़े रखें, ज़कात जिस किसी पर वाजिब है वो ज़कात अदा करें। साहिब दौलत गनी लोगों पर हज फ़र्ज़ है तो वो हज अदा करें। इसी तरह जो फ़राइज़ हैं शरीयत के, हम उनका पूरा ध्यान रखें, और बाकी जिक्र सुबह से लेकर शाम तक जिक्र, और अपने मुआश को मजबूत बनाएं, मेहनत करें अपने कारोबार में, और अल्लाह ताला आपके मुआश को कुशादा बना दे। और फिर अपने औलाद बेटे और बेटियों को तैलीम दिलवाएं, बेहतर से बेहतरीन तैलीम दिलवाएं, उनकी अच्छी तरबियत करें। और हम यहाँ सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सीखने के लिए। उर्स मुबारक के बारे में ऐलान हुआ, हमारी दुआ है कि ये उर्स मुबारक खैर वाफियत से हो, और जो बेहतर हो वही हो। और हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और तरक्की करे, आप लोग तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, आपकी तरक्की पर इसका इनसार है, आपकी कोशिशें इस मुल्क को बेहतर बना सकती हैं। तो बाखबर रहें सूरत हाल से, मुल्क की सूरत हाल से बाखबर रहें, और ख़ुद बाखबर रहने की कोशिश करें। मेरे मुंह के अल्फाज सुनकर कि सही वो उसने मुझे ये बताया था कि वो ये कुछ हो रहा था, नहीं, खुद आप उसको समझने की और परखने की कोशिश करें कि सही क्या है और गलत क्या है। जब वोट देने का ज़माना आए तो ज़रूर वोट कास्ट करें, और सोच समझ के वोट कास्ट करें, जो आपके लिए क्या बेहतर है, आपके बच्चों के लिए क्या बेहतर है, आपके मुस्तकबिल के लिए, फिर आपके गाँव के लिए क्या बेहतर है, फिर आपके इलाके के लिए क्या बेहतर है, फिर आपके सूबे के लिए क्या बेहतर है, फिर आपके मुल्क के लिए क्या बेहतर है। सोच समझ फैसले जब भी है, और सोच विचार करके सही जगह आप इसको इस्तेमाल किया करें। हमारी दुआ है कि आपके शूर में इजाफा हो, आपके इल्म में इजाफा हो, आपकी समझ में इजाफा हो, और हुजूर अल्लाह तबारक व ताला भी समझ वाले और हिम्मत वाले लोगों को पसंद फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम भी इल्म वालों को ज़्यादा पसंद फरमाते थे, सुना आपने, इल्म वालों को, वो इल्म वो जिसके साथ हक और बातल को समझने की और परखने की जिसमें सलाहियत हो, जिसने किताबें तो बड़ी पढ़ ली लेकिन हक और बातल को परखने की सलाहियत नहीं है उसमें, सच दो गलत और सही को समझने की उसमें सलाहियत नहीं है, तो फिर उसका इल्म किस काम का होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इल्म वालों से प्यार करते, तो इसलिए ये जमात भी अपने बच्चों को इल्म के मैदान में आगे बढ़ा रही है। हमारी बेटे हमारी बेटियां इल्म के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कुरान मजीद भी पढ़ रहे हैं, और उसके साथ जो मॉडर्न एजुकेशन है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी ये दुआ फरमाएं जो हमारे फिलिस्तीनी भाइयों पर कठिन टाइम आया हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे, और जो आलम इस्लाम है उनको तौफीक हो कि उनके लिए बेहतर फैसले करें, उनको उनकी मुआवनत करें। और हम जहाँ जहाँ मजलूम दुनिया में बसते हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, उन सब के लिए दुआ है, हम सब के लिए दुआ है। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्म रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व रसूलिही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहाबी।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हयाल सलाम हयाल सलाम हयाल फलाह हयाल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम दोस्त सफ़े दुरुस्त कर ले अपने अपने फोन मोबाइल बंद कर। अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سميع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا تعاليت يا ذا الجلال والإكرام صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه सुन्नतें अदा फरमाएं, सुन्नतें अदा फरमाने के बाद दुआ के बाद लंगर होगा।
اللہ